नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। अवैध शराब को लेकर महिलाएं भी लगातार आगे आ रही हैं और विरोध कर रही हैं। एक ऐसा ही मामला बडियागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में सामने आया, जहां पर महिलाओं ने एकजुट होकर अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। बडियागढ़ थाना क्षेत्र के बरक्वाइन गांव में बिक रही अवैध शराब को लेकर महिलाओं ने बटियागढ़ थाना प्रभारी मनीष मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के मुताबिक महिलाओं ने बताया कि बरक्वाइन गांव में स्कूल के पास दो लोगों के द्वारा अवैध शराब बेची जा रही है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अवैध शराब गाँव में बिकने से आए दिन लोग शराब पीकर गाली गलौज और उत्पात करते हैं। महिलाओं ने बताया कि उनके पति मजदूरी का कार्य करते हैं और गांव में अवैध शराब बिकती है, उसे पीकर घर में मारपीट भी करते हैं। महिलाओं ने थाना प्रभारी से कहा है कि गांव में बिक रही अवैध शराब को बंद कराया जाए। अगर शराब बंद नहीं की गई तो क्षेत्र से जो शराब गाड़ियों में भरकर आती है उनमें आग लगा दी जाएगी। इस मामले में थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने कहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाँव के बहुत से लोग थाने में आए थे, कुछ लोगों पर शंका है कि वो शराब बेचते हैं, तो हम आज से इन पर कार्रवाई करेंगे, बहुत जल्दी शराब का अवैध व्यवहार बंद करवा देंगे। ये सर बता रहे स्कूल के पास बिक रही है शराब। हाँ, स्कूल के पास एक दो लोगों की इन्होंने शंका बताई है, उन पर हम आज से कार्रवाई करेंगे। यदि उसके पास शराब मिलती है तो उसकी शराब बंद करवा देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।